हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हुआ, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इस वक्त T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन खेला जा रहा है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही है। तो चलिए बात करते हैं टूर्नामेंट के 9वें मुकाबले के बारे में, जिसमें दो वीक टीम से एक तरफ जहां पे युगांडा है, तो दूसरी साइड हमें PNG देखने को मिल रहा है। युगांडा पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, दोनों के बीच में यह 6 जून को मैच खेला जाएगा। यह मैच गुआना प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की संभावना, ह्यूमिडिटी 86% रहेगा और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनकी पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर के लिए फेमस है। यहाँ स्विंग बॉलर को हेल्प मिलता है, उन्हें विकेट भी ज़्यादा मिलता है, स्पिनरों को यहाँ पर ज़्यादा हेल्प नहीं है। रिकॉर्ड्स भी देखें तो पेसर को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं, बैटर को स्टार्टिंग ओवर में संभल कर खेलना होगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो भी बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 31% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके अभी स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का भी स्कोर 130 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का भी स्कोर 85 है। वहीं अगर बात करें दो गेमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे PNG एक मैच जीत के आ रही है, वहीं पर USG 0 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम यानी पप्पुआ न्यू गिनी का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे PNG ने भले ही हार के बाद टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, लेकिन टीम ने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को तगड़ा फाइट दिया। वहीं पे असद वाला और टोनी उरा टॉप ऑर्डर में टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें टीम की जिताने के लिए अच्छी शुरुआत देनी होगी। नंबर 3 पर जो कि लेगा सियाका, जो कि लास्ट गेम में फ्लॉप थे, वहीं पर सेबाओ चार्ली अमीनी हिरी को मिडिल ऑर्डर में अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा, जहां पे किपलिन डोरगिया जो कि पावरफुल हिटर है, टीम को उनसे लो ऑर्डर में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें टीम की कमजोरी, टीम ने टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किया और उन्हें कबुआ मोरिया और जॉनसन करीको से नई गेंद के साथ अच्छे स्पेल की नीड होगी। पिछले कुछ मैचों में टीम के लिए सब लोग ओवर खराब रहे, जहाँ पर चार्ल्स टोवर ने 1 विकेट लिया था, वहीं पर असद वाला ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए थे, वहीं पर चार्ल्स अमीनी से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की नीड होगी। अगर बात करते हैं इनके PNG का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि लेगा CSKA, टोनी उरा, असद वाला जो कि कप्तान है, चार्ल्स अमीनी है, हिरी है, सेसा बाओ है, किपलिन डोरगिया विकेट कीपर है, चार्ल्स टोवर है, जॉन करीको है, कबुआ मोरिया, एलेन नोयो। अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि टोनी उरा है, असद वाला, चार्ल्स अमीनी है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी युगांडा का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टूर्नामेंट टीम के स्टार्ट बेहद खराब रही, एक तरफा मुकाबले में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन पर ही हरा दिया, टीम 184 रन का टारगेट चेस करते हुए 58 पे ही ऑल आउट हो गई। ओपनिंग में बात करें जो कि रौनक पटेल और साइमन सेसाई, जो कि अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। नंबर 3 पर बात करें जो कि मुसाका, जो कि 0 पे आउट हो गया था। इस मुकाबले मिडिल ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल है, उन्हें रिजत अली और रॉबिन्सन आयोगी, दिनेश नकरानी और अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। लास्ट गेम में फ्लॉप हो गए थे सब लोग, जहां पे अल्पेश राजामानी और कैप्टन मसावा को सपोर्टिव रोल में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। लास्ट मैच में टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं रही, टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किया था, उन्हें कॉस्मस कविता और बिलाल हसन की न्यू बॉल से स्टार्ट की जरूरत है, जहाँ पे कॉस्मस ने लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। उनके ब्रांड मसावा और दिनेश नकरानी बीच में ओवरों में स्कोरिंग ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, टीम को अल्पेश राजमानी और हेनरी सेनेओंडो से भी अच्छी बॉलिंग की उम्मीद होगी। अब बात करते हैं युगांडा का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ब्रेन मसावा जो कि कप्तान है, रॉबिन्सन ओबे, अल्पेश राजामणि है, रॉगर मुसाका, केनेथ वैसा, जुम्मा मियागी है, बिलाल हसन है, फ्रेड एक्लम है, कॉमर्स क्योता है, हेनरी सेनेओंडो है, दिनेश नकरानी है। अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि ब्रियन मसावा, फ्रेड असलम है और कोशावा क्योता है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं, जहां पे PNG की टीम यहां पे मजबूत है, प्लेयर्स भी कंडीशन को तरह से मानते हैं। इस मैच में जीतने के लिए युगांडा को कुछ चमत्कार करना होगा। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए आज का मैच विनर हमारे अकॉर्डिंग यहां पे पप्पुआ न्यू गिनी होगा। तो आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।